हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। जैसे संज्ञा इंग्लिश में नाउन संज्ञा जानते हो, तो नाउन तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है। यहाँ पर अनुच्छेद को ध्यान से देखिए, अंकित, कुशल व संजना छुट्टियों में शिमला गए, तो सब रंगीन में लिखा हुआ है। तो अंकित नाम है, कुशल नाम है, संजना नाम है, शिमला भी जगह का नाम है, बिल्ली बिल्ली जानवर का नाम है, लेकिन उसका नाम पूसी, बिल्ली पूसी भी साथ की, तो जानवर है, जानवर को हम बिल्ली कहते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्ली का नाम पूसी रखा। साथ ही उन्होंने शिमला में कुफरी व संग्रहालय की सैर का, शिमला में कुफरी को जगह यह स्थल का नाम है और संग्रहालय का मजा लिया। माल रोड से कुछ खिलौने व उपहार खरीदे। उन्होंने जाकू मंदिर देखा, वे उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद में रंगीन शब्द नाम है, रंगीन शब्द अंकित, कुशल, संजना, बिल्ली, तुलसी व्यक्तियों व पशुओं के नाम है, शिमला कुफरी संग्रहालय माल रोड जाकू मंदिर स्थान के नाम है, और खिलौने उपहार मजा सुंदरता वस्तुओं के नाम है, उपहार वस्तुओं के नाम है, मजा सुंदरता भाव के नाम है, लेकिन सब संज्ञा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्थान है लाहौर, अमृतसर, कन्याकुमारी, मुंबई। वस्तु है चारपाई, आलमारी, टीवी, रेडियो आदि। प्राणी है कबूतर, बच्चा, हाथी, अध्यापक आदि। भाव है मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि। तो इस तरह आपने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा शब्द भाव का बोध कराती है, भाव का भी बोध कराती है। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के आप देख रहे कितने भेद हैं, पांच भेद। कितने भेद हैं, पांच भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये पांच संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है। ये शब्द के माध्यम से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का की जानकारी मिलती है, उसे हम व्यक्तिवाचक। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, तो ये विशेष व्यक्ति है, और अक्षरधाम मंदिर विशेष है, या ताजमहल विशेष है, सर्दियों में अदरक की चाय स्वादिष्ट लगती है, तो विशेष बना दिया गया सर्दियों के लिए अदरक की चाय को। तो इस प्रकार से ये क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध करा रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। अब जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष जाति की वस्तुओं या प्राणियों या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाए, जो चित्रकार विशेष है, चित्रकारी करता है। कवि ने हास्य कविता सुनाई, तो कवि ने हास्य कविता, विशेष कविता हास्य कविता कवि ने सुनाई, तो कवि भी विशेष हो गया। मेरी पुस्तक में शिक्षाप्रद कहानियाँ है, पुस्तक भी यहाँ पर विशेष हो गई। इस तरह से ये सबकी जाति है, मतलब बुक में ढेर सारी बुक है, तो किसी तरह की पुस्तक, पुस्तक क्या है, जैसे मटेरियल की जाति है, जो कि मतलब स्टेशनरी मटेरियल है, और व्यक्ति में चित्रकार है, और जैसे अलग अलग बिजनेस होता है या अलग अलग ग्रुप होता है, तो कवि है विशेष है। इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा हुई। अब भाववाचक संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, कर्म, भाव अथवा दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम भाव है। लंबाई चौड़ाई ये क्या है, कहने का भाव है। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, प्यास का भाव है। इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा हुई। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई मतलब द्रव्य, किसी मतलब तरल पदार्थ या धातु या किसी भी सामान का बोध हो से द्रव्य। जैसे दूध में पानी मत मिलाना, मुझे बासमती चावल दे दो,
या सोने के गहने संभाल कर रखना। तो किसी भी चीज़ का जिसमें बोध हो तो ऐसे वह क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे बच्चों की टोली, रेलवे स्टेशन की भीड़, सभा में कहीं की सभा, तो इस प्रकार से समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह आपने जाना संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराती है। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना। तो कुछ मूल रूप से ही भाववाचक संज्ञा बनते हैं, शब्द मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम और सत्य, दया आदि। तो इससे अगर हमें संज्ञा बनानी होगी, या विशेषण से संज्ञा बनाना, जातिवाचक से संज्ञा बनाना, सर्वनाम से संज्ञा, क्रिया से संज्ञा, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण राष्ट्र है तो राष्ट्र से राष्ट्रीयता, उदार है उदारता, नीला है नीलिमा, शांत है शांति। इस प्रकार से आप आलसी, गहरा, बुरा और महान का देख रहे हैं बना हुआ है। अब है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक में जैसे शिशु है तो शैशव हो गया, नारी है तो नारित्व हो गया, बच्चा है बचपन हो गया, युवक है तो यौवन हो गया। इस तरह से आप सारा देख रहे हैं, दुष्ट, मनुष्य, ठग, पशु, कवि, पंडित, सबका देख रहे हैं। आपको सबको पढ़ना है ताकि आप सीख पाए उसको। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम है मम या निज या पराया या सर्व, तो मम से ममत्व हो जाएगा, निज से निजत्व हो जाएगा, पराया से परायापन हो जाएगा, सर्व से सर्वस्व हो जाएगा, स्व से स्वत्व हो जाएगा, अपना से अपनापन हो जाएगा, लड़का से लड़कपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द मिले। अब क्रिया से भाववाचक क्रिया, जैसे खेलना, खेलना है हंसना है, कमाना है लड़ना है। खेलना से खेल बन गया, हंसना से हंसी, कमाना से कमाई, लड़ना से लड़ाई। तो इस तरह से आप चुनना, देखना, मारना, पूजना, ये शब्द देख रहे हैं, तो उसके लिए भाववाचक संज्ञा भी आपके सामने आ रही है, चुनाव, दिखावा, मोड। अब हम इतना आपने समझ लिया, अब हम देखेंगे कि अभ्यास। अभ्यास में है संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप आगे आपका दिया हुआ है संज्ञा किसे कहते हैं फ्रंट पे, कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद हैं, आप जैसे यहाँ बुक में आपके लिखा है आप उस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, वैसे ही आप बना करके स्केल से लाइन ड्रॉ करके बनाइएगा, लिखिएगा और थोड़ा स्केच पेन से उसको कर दीजिएगा ताकि कलरफुल भी हो जाए। अब है यहाँ पर जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो इसमें से आपको पढ़ करके सब में डालना है। तो आप ये सब में, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम होगा, जातिवाचक में उसकी जाति होगी, भाववाचक में भाव होगा और समूहवाचक में समूह होगा, जैसे कि हमने समझाया, आप कर लेंगे। थर्ड है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बने, मम से ममत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, चढ़ से चढ़ना, सर्व से सर्वस्व। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अब हम देखेंगे लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं, जेंडर। लिंग जेंडर होता है। तो लिंग वो होता है शब्द रूप से, शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। तो जब शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इस तरह से लेकिन संज्ञा भी तो 2 प्रकार की होती है। आप सोचेंगे निर्जीव और सजीव होती है। तो पुरुष व स्त्री जाति का लिंग तो आसानी से पता चल जाता है कि कोई लड़की है कोई लड़का है, ये हम देख रहे हैं तो समझ जाते हैं, या कोई जानवर भी हम देखते हैं तो समझ जाते हैं। लेकिन अप्राणिवाचक जिसमें ज्ञान नहीं है, उनका लिंग जानने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब है पुलिंग की पहचान। पुरुष जाति की बोधक संज्ञा पुलिंग होती है, जैसे
लड़का, चाचा, आदमी आदि, लेकिन जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पन आदि शब्द आता है वे पुल्लिंग होते हैं। जिनके शब्द में लास्ट में आ आता है, आओ आता है या पन आता है वे पुल्लिंग। जैसे मोटा, बिलाव, तो इस तरह से हमने आपको उदाहरण से समझा दिया, एक तरह से समझा दिया कि किस तरह से होता है। लेकिन उसके बाद अब हम देखेंगे कि पुलिंग और स्त्रीलिंग के यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। पुलिंग और स्त्रीलिंग के आप यहाँ कुछ शब्द देख रहे हैं, तो ये पुलिंग है और ये स्त्रीलिंग। ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको पढ़ेंगे, इससे समझेंगे। तो और यहाँ पर विशेष, यहाँ पर विशेष दे रहा है, विशेष है कि नित्य पुलिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा पुलिंग में होते हैं और जो हमेशा स्त्रीलिंग में। तो कुछ शब्द हमेशा पुलिंग होते हैं और सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। इनका लिंग बनाने के लिए नर या मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम तितली कह रहे हैं तो तितली के लिए मादा और नर की बात होगी, या मछली है तो मादा और नर के लिए जोड़ देंगे हम इस तरह से। और नित्य पुलिंग जो हमेशा पुलिंग में, जैसे हम बोलते हैं हमेशा खटमल, तोता, चीता, मच्छर आदि हमेशा पुलिंग में। तो लेकिन अगर कोई पूछता है तो इसके लिए यही बात आती है कि हम इसमें नर और मादा सोच के चलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको पुलिंग में ही प्रयोग करते हैं। और मक्खी, मछली, चील, कोयल आदि को हमेशा बोलचाल की भाषा में स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमने ये चैप्टर देखा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए। तो लोग बताइए।